इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं रिग्रेशन और रिग्रेशन, रिग्रेशन की मैथमेटिक्स को भी हम समझेंगे मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं और सिंपली टू द पॉइंट बात करते हैं पोलिनोम रिग्रेशन क्या होती है बेसिकली पोलिनोम रिग्रेशन एक फॉर्म है रिग्रेशन एनालिसिस की इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज मॉडल्ड एज द एंथ डिग्री पोलिनोम आप जब भी इन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती ये बल्कि एंथ डिग्री ऑफ पोलिनोम होती है अब डिग्री ऑफ पोलिनोम क्या होती है इसको भी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम पोलिनोमियर रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं पोलिनोमियर रिग्रेशन हमारे पास बेसिकली डिग्री ऑफ एंथ पोलिनोम को हम स्टडी करते हैं आई नो दैट एंड यू नो दैट बट बिफोर दैट पोलिनोम रिग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस

आप कह सकते हैं बाइनोमियल भी हो सकता है पोलिनोमियल भी हो सकता है बट आई एम टॉकिंग अबाउट पोलिनोम बाइनोमियल को जरा साइड पर रखते हैं हमारे पास एंथ डिग्री वन होगी तो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जीरो डिग्री वन होगी तो एक डिग्री इस तरीके से खम आ जाएगा दो होगी तो दो खम आ जाएंगे तीन होगी तो तीन खम आ जाएंगे तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से पोलिनोमियल की एंथ डिग्री हमारे पास काम करती है यानी कि हमारे पास तिरछी टेढ़ी लाइनें आएंगी बट नॉट द स्ट्रेट लाइन नॉन लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास आएगा

ंड हैज बीन यूज टू डिस्क्राइब नॉन लिनियर फिन सच एज ग्रोथ रेट ऑफ टिश्यूज नॉन लिनियर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन लेकिन प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एपीडेमिक्स यानी कि जितनी भी आपकी नॉन लिनियर ट्रेंड्स होते हैं जो एक ही तरीके से नहीं बढ़े होते हैं कभी रहे, बड़े होते हैं कम हो रहे थे कम हो रहे थे उसको हम पोलिनोम रिग्रेशन के थ्रू देख सकते हैं ठीक है अब पोलिनोम रिग्रेशन की अगर बात करें तो यह हमारे पास है जनाब सिंपल लीनियर मॉडल हम यहां पे ये वाली लाइन को प्रोडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज दिस वैल्यूज और हमारे पास एक क्वेश्चन मॉडल की लेकिन अगर आप गौर करें ये लाइन से सारे पॉइंट खुश नहीं है क्यों ये वाला पॉइंट खुश है ये वाला पॉइंट खुश है ऊपर वाला बट ये नीचे वाले पॉइंट खुश नहीं है तो हमें एक ऐसी लाइन फिट करनी है जो थोड़ी सी तिरछी हो यानी कि नीचे को खैंच हुई हो विच कैन एक्चुअली मेक ऑल दीज पॉइंट्स हैप्पी

एक्स के ऊपर जो पावर होती है हम उसको बोलते हैं वन को हम लिखते नहीं है तो इसी तरीके से बीटा वन प्लस एक्स वन आ गया जो टू है उसको लिखते हैं थ्री जो होता है हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होता है उसको भी लिखते हैं फिर इसी तरह फोर्थ और फिर इसी तरह फाइव भी होते हैं बट वी विल सी यहां पर देखते हैं जी हम सिंपल लीनियर मॉडल हमारा सिंपली इस तरीके से चलता है वाई इज इक्वल टू तो बीटा नॉट भी कह सकते हैं बी भी कह सकते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर होता था ये वाला सीन के अंदर हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स वन का स्क्वेयर ठीक है इसी तरीके से जितने भी आपके पास x होंगे सभी का स्क्वेयर आता जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली फिट अ लाइन विच इज पोलिनोम रिग्रेशन राइट ये तीन डिफरेंसेस है मेन खासतौर पर इक्वेशन के अंदर भी और आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी यहां पर यह चेक कर लें एंड दिस वन यू कैन एक्चुअली अ लुक अब एक और चीज हमारे पास आती है कि लीनियर पोलिनोम क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोम क्या होता है क्यूबिक पोलिनोम क्या होता है लीनियर पोलिनोम की डिग्री वन होती है पोलिनोम विद डिग्री टू को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोम पोलिनोमियल की डिग्री जब तीन हो तो उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल को हम इस तरीके से लिखते हैं ए एक्स प्लस बी या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स या हम ए इज वेर एज नॉट इक्वल टू जीरो आप इसको एक्स प्लस एट ये एक एग्जाम्पल है लीनियर पोलिनोमियल की जिसमें 2 है, मतलब है इस तरीके से लिखेंगे पोलिनोम राइट फिर आपके पास आता है क्यूबिक पोलिनोम क्यूबिक पोलिनोम में ऑब्वियसली आपके पास एक्स की पावर थ्री भी होगी एक्स की पावर टू भी होगी एक्स की पावर वन भी होगी और एक्स की पावर जीरो भी होगी यानी कि कोई एक्स नहीं होगा आपके पास ठीक है यहां पे एक्स पी पावर वन है और जीरो है यहां पे टू वन जीरो है। यहां पे थ्री टू वन जीरो है। तो हमारे पास जब एक्स की, मतलब की पावर जीरो का मतलब है तो इज सो दैट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स की पावर जीरो बट एक्स की पावर वन एक्स पावर टू एक्स पावर थ्री तो हमारे पास क्यूबिक क्वाड्रेटिक एंड पोलिनोम लीनियर रिग्रेशन जो है हमारे पास पोलिनोम सॉरी पोलिनोम लीनियर पोलिनोमल क्वाड्रेटिक पोलिनोम एंड क्यूबिक पोलिनोम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनते हैं इसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं जनाब पोलिनोमियल को अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन यानी कि डिग्री जीरो है तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी डिग्री वन है यानी कि एक्स की पावर वन है तो आपका लीनियर फंक्शन होगा लाइक दिस डिग्री टू है तो आपका इस तरीके से क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा और जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे आपके पास इस तरीके से पोलिनोमियल की लाइन बनेगी आप इसको डेसमोस के प्रोग्राम के अंदर जाके भी अगर आप आ, लिखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन को यू विल फाइंड अ लाइन लाइक दिस ठीक है क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको इस तरीके से लाइन देगा देन आपके पास क्यूबिक फंक्शन जिसकी डिग्री थ्री है यानी कि ऐसा रिग्रेशन मॉडल जिसकी डिग्री हो यू कैन हैव अ लुक और उसकी इस तरीके से आपके पास तीन यानी कि एक लाइन दो लाइन और ये तीसरी लाइन इस तरीके से तीन क्यूबिक फंक्शन कल आएगा फोर होगा तो ये क्वारटिक फंक्शन है क्वारटिक नॉट क्वार दिस इज क्वारटिक ठीक है क्वारटिक तो ये क्वारिक फंक्शन है फिफ्थ होगा तो इसको बोलते हैं क्विंटिक ठीक है quintic, तो डिग्री पोलिनोम की जितनी बढ़ती जाएगी उतना आपका फंक्शन बढ़ता जाएगा एंड मैंने ये तस्वीर ली है जनाब ग्लैन डॉट कॉम से मैथ्स डॉट ग्लैन कॉम आप यहाँ से जाके मैथमेटिक्स को और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द पोलिनोम डिग्री का मतलब है आपका स्क्वेयर जो यहाँ पे आ रहा है सो नाउ यू कैन हैव एन आइडिया के पोलिनोम क्या होते हैं जिसको नहीं भी पता मैथमेटिक्स का उसको भी समझ आ गई होगी जब एक्स की पावर टू हो तो ये टू डिग्री पोलिनोम है एक्स की पावर थ्री हो तो ये थ्री डिग्री यानी कि क्यूबिक फंक्शन पोलिनोम का है राइट जी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगर देखें इसकी तो हर वेरिएबल का टू एंड थ्री थ्री पोलिनोमल आपने लेना है वन टू थ्री और बीटन और जो है वो बिल्कुल ही आपके पास जो है वो आपको इंटरसेप्ट दे रहा होता है राइट वाई आपके पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट है ये आपके पास सारे सारे कॉफिशेंट ऑफ द मॉडल है ई e, आपके पास इस तरीके से आ जाती है तो आपके पास पोलिनोम रिग्रेशन मॉडल जो है एंथ डिग्री का इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं और यही इक्वेशन है जो आपके फॉर्मुलों के अंदर भी आपको नजर आती है वेन एवर यू आर अपलाइंग रिग्रेशन मॉडल यूजिंग साइकेट लर्न सो दिस इज नॉट डिफरेंट आप आप अगर उसको देखेंगे तो आपका मॉडल इसी तरीके से पोलिनोम रिग्रेशन का उसमें यूज होता है एंड यू हैव टू यूज इट पोलिनोम रिग्रेशन मॉडल अब की पॉइंट्स इसके क्या हैं ये फ्लेक्सिबल है और मॉडलिंग कर्व्स आप

अगर आप गौर करें इनकी इक्वेशंस में ये लीनियर इक्वेशंस ही हैं अगर आप गौर करें ठीक है लेकिन इसकी आउटपुट आपके पास लीनियर नहीं आ रही जस्ट टू शो यू दैट और पोटेंशियल ऑफ एक्सप्लोरेशन एरर्स हाई डिग्री ऑफ कैन लीड टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ऑफ आउटसाइड द रेंज डेटा लीडिंग टू पुअर एक्सट्रापोलेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सापोलेक्सपोलेशन परफॉर्मेंस आपके पास जितनी ज्यादा डिग्री आप डालते जाएंगे आपका ओवरफिट तो होगा डेटा और आपकी एक्सपोलेशन भी हाई हो जाएगी यानी कि आपको मॉडल को डिफाइन करने में प्रॉब्लम्स होंगी राइट जी की पॉइंट्स के बाद हम चलते हैं एजम्पन्स पे लीनियर इन पैरामीटर पैरामीटर्स लीनियर होना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स हो यानी कि ये ना हो कि रेजिड्यूल्स जो हैं आपके मॉडल के वो एक दूसरे पे कोरिलेशन रखते हो होमोस्कैडेस्टिसिटी फिर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नो लिटर मल्टीकोलिनियरिटी लिनियरिटी रेंज ऑफ एक्ट्रॉपोलेशन यानी कि एंथ डिग्री आपने वो यूज करनी है जो आप कर सकते हैं और जिसको यूज़ कर सकते हैं करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिग्री कहाँ पर यूज होनी है से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर मैं यहाँ पे इस मॉडल को देखूँ तो यहाँ पे ख़ास साफ पता चल रहा है जनाब वाला कि मुझे डिग्री टू का पोलिनोमल यूज़ करें क्योंकि मुझे सिर्फ खींच के ही इधर को लेके आनी है ठीक है सो इसी वजह से मैंने पोलिनोमल मॉडल यहाँ पर डिग्री टू का यूज़ किया अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये आपके पास ये डिग्री टू तो इस तरीके से बनती है और अगर आप और करें ये वाली लाइन अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये सेंटर इस साइड पे आ जाएगा सो वी नो दैट कि हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास इस तरीके से बन रहा है दिस इज़ समथिंग लाइक डिग्री टू का पोलिनोमियल ठीक है और ये इसने थोड़ी सी लाइन को खींच दिया अगर मैं यहां पे फाइव डिग्री का लगाने बैठ जाऊंगा तो मसला खराब हो जाएगा दैट्स वी नीड टू नो कि हमारे पास किस तरीके की हैं वो आ रही हैं ठीक है ये आपके पास एजम्पन है जी और इन एजम्पन को आप गौर से देखें तो इनकी हेडिंग्स को पढ़ने तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास पोलिनोम रिग्रेशन कब कैसे और कहां पर लगता है यही नहीं अभी और सुनिए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर पोलिनोम रिग्रेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिस इज नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड मॉडल कंप्लेक्स होता है डिग्री पोलिनोम कैन फिट द डाटा बेटर बट मे कैप्चर नॉइज एस वेल जिसको हम ओवर फिटिंग कहते हैं मॉडल सेलेक्शन क्राइटेरिया लाइक क्रॉस वेलिडेशन ए आई सी और बी आई सी कैन यूज टू चूज कैन बी यूज टू चूज द अप्रोप्रियट डिग्री हम कैसे अप्रोप्रियट डिग्री को सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू यानी कि वन डिग्री का भी चेक करें टू का भी थ्री का भी फोर का भी जो बेस्ट आए उसको हम सेलेक्ट करके अपने पास रख लें दम हम ए और बी को भी यूज कर सकते हैं ए और बी क्या है ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है यू हैव टू लुक इन द ए आई सी एंड बी आई मैट्रिक्स ये किस तरीके से हम यूज करते हैं टू तो सेलेक्ट अ बेटर पोलिनोम डिग्री ठीक है फिर फीचर स्केलिंग पोलिनोम रिग्रेशन कैन बी सेंसिटिव टू द स्केल ऑफ द फीचर्स बिकॉज पोलिनोम टर्म्स कैन टेक ऑन वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज फीचर स्केलिंग कैन इंपॉर्टेंट इन दीज मॉडल्स अगर आप फीचर को स्केल नहीं करते तो प्रॉब्लम हो सकती है और आपका पोलिनोमेल खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि कर्व का एक कोना कहीं बहुत बड़ी डिग्री के पास जा रहा है लेकिन आपके पास जो डेटा ज्यादा है वो छोटी डिग्री के पास यानी कि बिल्कुल इकट्ठा हुआ पड़ा है तो आप जब उसको खेचेंगे तो एक साइड पे वो लाइन जो है वो साइड पे आ जाएगी सो यू टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू स्केल द डेटा वन यू आर यूजिंग पोलिनोमल रिग्रेशन बिकॉज एट द एंड यू हैव टू फाइंड अ फाइन लाइन एंड अ जर्नलाइज मॉडल फॉर दैट

और ये आप सब ने मिल के बनानी है मतलब मिल के मुराद ये है कि एक दूसरे को पूछे बगैर बनानी है लेकिन आप सब ने बनानी है और एट द एंड हम उस गाइड को एक फाइनल गाइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उस असाइनमेंट के अंदर उस गाइड से हम फिर इंशाल्लाह सभी को वो प्रोवाइड करेंगे नॉलेज जो हमारे पास यहाँ पे <coughs> गाइड्स के थ्रू इकट्ठा हो जाएगा अगर आपने लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार आपका क्या जाता है यूट्यूब पर एक बटन ही है ना क्लिक करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है देना क्या जाता है आपको इसके साथ ही इजाज़त है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं